गुड मॉर्निंग क्लास। आज भूगोल की कड़ी में मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट के बारे में बताया था, उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है, लेकिन अब उसके आगे भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश भी है। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं, लेकिन कर्क रेखा के उत्तर वाला जो हिस्सा है उसको वो शीतोष्णकटिबंध में आता है। तो भारत का आधा हिस्सा उष्णकटिबंध में आता है, आधा हिस्सा शीतोष्णकटिबंध में आता है, लेकिन कर्क रेखा भारत में एक जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती है। इसके अपेक्षा भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत भारत में एक अच्छी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। तो आज हम देखते हैं भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानसून। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान सुनेंगे भैया। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन। आपने देखा होगा गर्मी चल रही है, अप्रैल का महीना है और दोपहर में बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन सर्दियों में आपने देखा होगा शीतलहर चलने लगती है। तो मानसून, मैंने आपको बताया रियल मानसून क्या है, हवा ही तो है। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना, मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ऋतु परिवर्तन, यानी गर्मियों में गर्म हवा का चलना, सर्दियों में ठंडी हवा का चलना, बारिश में नमी वाली हवा का चलना, क्या है ये मानसून। मानसून दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून, एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। भैया उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु में चलता है, दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में चलता है। देखिए मैं भारत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर भारत की पूरब है, यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर दक्षिण है, ऊपर उत्तर है। तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु है, कौन सा स्टेट है, केरला है, और केरला के समुद्र को हम बोलते हैं मालाबार, क्या बोलते हैं मालाबार। यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आपका अरब सागर है। तो भैया ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो अगर कोई मानसून यहाँ से उठाएगा तो उसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे, और अगर कोई मानसून यहाँ से उठाएगा तो उसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहेंगे। तो मैंने आपको बताया मानसून दो प्रकार का होता है, एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो भैया दक्षिण पश्चिम मानसून, यही दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, यानी ये यहीं से तो उठ रहेगा, बोलिए। अब दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से उठा, अरब सागर से नमी वाली हवाएं लेकर आया, नमी वाली हवाएं लेकर आया तो केरल के मालाबार तट पर 1 जून को क्या तारीख को टकरा गया, और 1 जून को टकरा कर इसने वर्षा कर दी। यानी भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है, केरल में, क्या तारीख को, 1 जून को, कौन से समुद्र तट पर, मालाबार तट पर, क्लियर। इसके बाद यही मानसून, यानी हवाएं यहीं से लौट थोड़ी जाती हैं, यही हवाएं पूरे भारत में फैल जाती हैं और पूरे भारत में वर्षा करती हैं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो अरब सागर से उठ रहा। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब कूलर चलाते हैं हम, तो अभी इस समय जो कूलर चला रहे हैं अपन, पानी वाला कूलर चला रहे हैं, पानी डाल रहे तो उसमें हवा ठंडी आ रही, यानी हवा जो चल रही है वो सूखी नहीं है, गीली है, और गीली हवा है, ठंडी हवा है, तो वो ठंडी हवा को जब रोक लिया, यहाँ टकराई, बारिश कर दी, ठीक है। तो गर्म हवाएं जो, सॉरी, ठंडी हवाओं में जो नमी वाली हवाएं होती हैं उनमें बारिश करने की क्षमता होती है, और जो सूखी हवाएं होती हैं उनमें बारिश करने की क्षमता नहीं होती है। और नमी वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा चलती हैं, और ये ग्रीष्म ऋतु में आता है, पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन 3 जगह वर्षा नहीं करता, और वो 3 जगह कौन सा है, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट, उड़ीसा के तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर। यानी यहाँ इन 3 जगह पर ये बारिश नहीं कर पाता, कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून, पूरे भारत में वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, क्वेश्चन आएगा कौन सी ऋतु में चलता है, ग्रीष्म ऋतु में, क्या तारीख को आता है, 1 जून को, किससे टकराता है, केरल के मालाबार तट पर, ये कौन से सागर से उठता है, अरब सागर से। एक्चुअल में अरब सागर किस महासागर का पानी है, देखो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, कौन है, तो हिंद महासागर से ही तो आ रही है नमी वाली हवाएं, हिंद महासागर से आई वाली नमी हवाएं
हिंद महासागर से आने वाली नमी वाली हवाएं केरल के मालाबार तट पर क्या तारीख को 1 जून को टकरा कर वर्षा कर देती हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ये वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून हमेशा कब चलता है, ग्रीस में। भाई ये भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है, जब ये मानसून उठा तो हिमालय टकराया, टकरा के अब अगर हिमालय ना होता तो ये मानसून ऊपर निकल जाता, जब ऊपर निकल जाता तो कर्क रेखा के उत्तर में बारिश ना होती, लेकिन जब हिमालय से टकराया तो कर्क रेखा के उत्तर में दिल्ली है वहाँ पर ही बारिश कर दिया। और यही मानसून जब अब देखते हैं हम जी वाला दक्षिण पर उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून हमेशा शीत ऋतु में चलता है यानी ठंडे के दिनों में। और भैया उत्तर पूर्वी मानसून जब हिमालय से चल के आता है और पूर्व उत्तर भारत में प्रवेश करता है, तो भैया यहाँ पर तो कोई समुद्र है नहीं है, यानी यहाँ की जो हवाएँ हैं वो सूखी हैं, ड्राई हैं। अब वो सूखी हवाएँ आईं लेकिन जब वो बंगाल की खाड़ी में आए पूर्व उत्तर भारत से होते हुए, तो यहाँ से उसने कह ली नमी, और नमी लेने के बाद ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराया और यहाँ पर वर्षा कर दी। और यहाँ पर वर्षा कौन सी ऋतु में करी, शीत ऋतु में, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से कौन सी ऋतु में वर्षा हुई, ग्रीष्म। उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून में कौन से मानसून ऐसा है जिसमें नमी होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा मानसून ऐसा है जिसमें नमी की मात्रा नहीं होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सी ऋतु में चल रहा, क्या तारीख को टकरा रहा, किससे टकरा रहा। भैया उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु में चलता है, दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में चलता है, दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से अरब सागर से नमी लेकर आता है, 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराता है, और टकराने के बाद ये पूरे भारत में वर्षा करता है लेकिन 3 जगह वर्षा नहीं कर पाता, तमिलनाडु उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर ये हिमालय भारत के उत्तर में है, वहाँ से टकरा कर ये, अगर हिमालय भारत के उत्तर में ना होता तो दक्षिण पश्चिम मानसून से दिल्ली में बारिश ना हो पाती, क्योंकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में है, इसलिए भारत में जलवायु विभाजक की भूमिका हिमालय पर्वत स्पष्ट रूप से निभाता है। हमेशा दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में चलेगा, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून जो नमी लेगा वो हिंद महासागर से, और कौन से सागर से, अरब सागर से। अब हम देखते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, एक्चुअली में ये हवाएँ नहीं, यही तो लौट के आ रही, जब ये हवाएँ लौट के आईं तो ये पूर्व उत्तर भारत से गुजरी, तो वहाँ पर तो समुद्र था नहीं, तो वहाँ पर ये हवाएँ सूखी थी, लेकिन यही हवाएँ जब बंगाल की खाड़ी के पास पहुँची तो बंगाली खाड़ी से इन्होंने कली ली नमी, और ये नमी लेके आईं तो ये किससे टकराएं, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से, और यहाँ पर वर्षा कर देती है। क्वेश्चन आता है भारत में सर्दियों में बाढ़ कहाँ आती है, भारत में सर्दियों में बाढ़ तमिलनाडु में आती है, कहाँ आती, क्वेश्चन आएगा भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर गेहूँ की खेती नहीं होती, तमिलनाडु में। क्वेश्चन आएगा उत्तर पूर्वी मानसून को क्या कहते हैं हम, उत्तर पूर्वी मानसून को ही हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, क्या कहते हैं। क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा मानसून है जो पूरे भारत में वर्षा करता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ कहाँ पर बारिश नहीं कर पाता, तमिलनाडु उड़ीसा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु उड़ीसा आंध्र प्रदेश में कौन से मानसून से वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून किस ऋतु में चलता है, शीत ऋतु में चलता है। उत्तर पूर्वी मानसून में आर्द्रता होती है, नहीं होती है, यानी नमी होती है, नहीं होती है, लेकिन ये कहाँ से आर्द्रता या नमी ग्रहण करता है, जब ये मानसून बंगाली खाड़ी में पहुँचता है तो तमिलनाडु के किस तट से टकराता है, कोरोमंडल तट से, और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से क्या कर देता है, वर्षा कर देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। ये कौन से ऋतु में चल रहा, सर्दियों में। एक क्वेश्चन आता है कि कोरोमंडल तट भारत के अलावा किस देश में, कोरोमंडल तट भारत के अलावा न्यूजीलैंड में, कहाँ पर भैया, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन आ जाएगा कि विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस देश ने दिया था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। न्यूजीलैंड की राजधानी अगर पूछ दे तो कहाँ है, वेलिंगटन, कौन है, ठीक है भैया, इतना समझ में आया, इतना आ गया, बोलिए, अच्छे से आया, तो इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि ये तो हमने आपको शॉर्ट में बता दिया कि क्या क्या है, अब हम आगे देखते हैं रियल में, एक्चुअल में उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। देखिए उत्तर पूर्वी मानसून हमेशा किस ऋतु में चलेगा, बताइए, शीत ऋतु। और वास्तविकता में मानसून है क्या, हवाएँ हैं। उत्तर पूर्वी मानसून किस ऋतु में चल रहा, शीत ऋतु में। उत्तर पूर्वी मानसून में नमी होती है, बोलिए, नमी की मात्रा ना, नमी की मात्रा हाँ, क्या होती, नमी की मात्रा नहीं होती है, नमी की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून कौन सी ऋतु में चल रहा, शीत ऋतु, यानी जाड़े, कहते हैं जाड़ा, जाड़ा, सरकारी घटिया खाना सुना, जाड़ा, ठीक है। इसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून समुद्र से चल रहा कि स्थलखंड से बहकर आ रहा, उत्तर पूर्वी मानसून स्थलखंड से बहकर आता है, कहाँ से आता भाई,
उत्तर पूर्वी मानसून स्थलखंड से बहकर आता है। कहाँ से आता है भैया बोलिए? उत्तर पूर्वी मानसून स्थलखंड से बहकर आता है। और इसमें नमी की मात्रा होती है कि नहीं होती है? इसमें नमी की मात्रा नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। परिणाम स्वरूप ये पूरे भारत में वर्षा करने कर सकता है? नहीं कर सकता है। परिणाम स्वरूप ये पूरे भारत में वर्षा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। परिणाम स्वरूप पूरे भारत में वर्षा नहीं कर सकता है। जी नहीं दिख रहा? परिणाम स्वरूप पूरे भारत में वर्षा नहीं कर सकता है। पूरे भारत में वर्षा नहीं कर सकता है। लेकिन तमिलनाडु राज्य इसका अपवाद है, क्योंकि जो उत्तर पूर्वी मानसून जब पूर्वोत्तर भारत से गुजरता है, पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं, इनको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, असम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है। तो ये मानसून पूर्वोत्तर भारत से गुजरता है, तो पूर्वोत्तर भारत से गुजरने के बाद तमिल बंगाल की खाड़ी से इकाली लेता है नमी, और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकरा जाता है और फिर क्या कर देता है? वर्षा कर देता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु से टकराता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए तमिलनाडु जो है वो किस घाट पर है? पूर्वी घाट। किस घाट पर? पूर्वी घाट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोरोमंडल का तट भारत के अलावा किस देश में? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन आ जाए विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कहाँ मिला? न्यूजीलैंड में। आगे तमिलनाडु के पूर्वी घाट से टकरा देता है, और यही कारण है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के पर सर्दियों में बरसें आती हैं, और तमिलनाडु में सर्दियों में क्या आती? बाढ़ें आती हैं, और यही कारण है कि तमिलनाडु में गेहूँ की खेती नहीं होती है। तमिलनाडु में क्या नहीं होता? गेहूँ की खेती नहीं होती है। क्यों नहीं होती? सर्दियों में गेहूँ को बोया जाना है, अब वहाँ पर बाढ़ आ गई तो कहाँ से बो पाएंगे आप? ठीक है, समझ आ गया भैया कि नहीं आया? बोलिए। अब दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में समझिए। अच्छे से आया भैया? आ गया आप लोगों? बोलिए ना। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में भैया, ये हवाएं हैं कि पानी है? क्या है जो बोलो? दक्षिण पश्चिम मानसून भी हवाएं हैं। कौन से ऋतु में चल रही? ग्रीष्म ऋतु में चल रही। पूरे भारत में वर्षा कौन सा मानसून कर रहा? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या तारीख को टकरा रहा? जी किससे टकरा रहा? केरल के मालाबार तट। मालाबार तट किस राज्य में? केरल। केरल के मालाबार तट पर टकराता है। अगर क्वेश्चन यहीं पे वो कर देता है कि केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। अगर क्वेश्चन पूछता है वो केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गधा हो तुम सब। अब आगे, भारत में 90% वर्षा कौन से मानसून से होती है? भारत में 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन किस राज्य में वर्षा नहीं कर पाता? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसी कारण कहा जाता है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। समझ में आ गया? यानी पूरे भारत में वर्षा तो कर रहा, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में नहीं कर रहा। मैंने आपको बता दिया भारत, इसलिए भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। समझ आया? इसके बाद आगे चलते हैं। तो भैया अभी मैंने आपको मानसून बताया, अब हम देखते हैं भारत में वर्षा। तो भारत में वर्षा दो प्रकार से होती है। जैसे हमने बताया मानसून दो प्रकार का होता है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। उसी प्रकार भारत में जो वर्षा होती है, भारत में वर्षा दो ऋतुओं में होती है, शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। अब जरा एक चीज़ इस पर नज़र डाल लेते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारत में वर्षा ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में होती है, कैसे होती है। तो देखिए भैया ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी, तो मैंने आपको खूब ढंग से बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा किस मानसून से होगी, जरा आप लोग बताएं जोर से। तुम गधे हो, जीवन भर गधे ही रहोगे रत्नेश बांचाल। भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वायरल हो गए तुम अब। भारत में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्या तारीख से लेके क्या तारीख के बीच? 1 जून से लेके 15 सितंबर के बीच वर्षा होती है, और किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और मैंने आपको खूब ढंग से बताया कि 1 जून को केरल के मालाबार तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है, वर्षा करता है। इसके बाद 22 जुलाई को ये दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में फैल जाता है और दिल्ली में भी वर्षा करता है। देखिए कर्क रेखा के उत्तर में दिल्ली है, मैंने आपको बताया उष्णकटिबंध कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच बारिश होनी चाहिए ना, लेकिन हिमालय है उत्तर में, इस कारण जो हवाएं या मानसून उड़ के गया हिमालय टकरा के पुनः उसने कहां बारिश कर दी? दिल्ली में।
यानी 1 जून को केरल के मालाबार तट पर बारिश करने के बाद यही मानसून जब ऊपर गया तो दिल्ली ली क्रॉस कर गया और हिमालय पर्वत टकराया, और हिमालय पर्वत टकरा के दोबारा से उसने दिल्ली में बारिश की, और दिल्ली में बारिश की तारीख करीब 22 जुलाई को। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, 1 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच होती है, और ये मानसून सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराता है। पश्चिमी घाट में किस राज्य? केरल से। अगर क्वेश्चन आपसे कर दे कि पश्चिमी घाट में कितने राज्य आते हैं, पश्चिमी घाट में 5 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अगर वो क्वेश्चन कर दे कि पश्चिमी घाट में जो पाए जाने वाले वन है उन्हें क्या कहते हैं, सोलास। तो भाई ये ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो सब जगह बारिश होती है, लेकिन 3 जगह बारिश नहीं होती है, कोरोमंडल तट, उड़ीसा तट, आंध्र तट। कोरोमंडल तट कहाँ है? पूर्वी घाट पर, तमिलनाडु के तट को कहते हैं। उड़ीसा तट ये भी पूरब में है, आंध्र तट ये भी पूरब में है। अगर क्वेश्चन आ जाए तमिलनाडु की राजधानी क्या है, जो चेन्नई है, और यहाँ के CM कौन है? स्टालिन है, MK स्टालिन, DMK का फुल फॉर्म होता है द्रविड़ मुनेद्र कड़िगम, M करुणानिधि के ये सुपुत्र हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के CM नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता दल के हैं, यानी BJD। इसके बाद आंध्र तट आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, यहाँ के CM कौन है? जगनमोहन रेड्डी। अब शीत ऋतु की वर्षा देखते हैं। भैया शीत ऋतु में वर्षा, हमने आपको उत्तर पूर्वी मानसून तो बता ही दिया था। तो भैया भारत में होने वाली शीत ऋतु में वर्षा 2 हवाओं से होती है, एक होती है पश्चिमी विक्षोभ से, दूसरा होता है उत्तर पूर्वी मानसून से। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? देखिए यूरोप और अफ्रीका के बीच, मैंने खूब पढ़ाया आपको, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर कुल 21 देशों को स्पर्श करता है, जिसमें 5 एशिया के, 5 अफ्रीका के, 11 यूरोप के हैं। तो भूमध्य सागर से उठने वाला एक शीतोष्ण चक्रवात, ये पूरब दिशा की ओर चल देता है। जब ये पूरब दिशा की ओर चल देता है तो जब भारत में आता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पश्चिम विक्षोभ। और जब पश्चिम विक्षोभ भारत में प्रवेश करता है तो पश्चिम उत्तर भारत यानी उत्तर पश्चिम वाले राज्यों में वर्षा करता है, पहाड़ी राज्यों में और मैदानी राज्यों में। पहाड़ी राज्यों में वर्षा करता है वर्षा की बूंदों के रूप में, यानी हिमपात के रूप में, जबकि मैदानी राज्यों में वर्षा करता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वर्षा की बूंदों के रूप में। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। मैं आपको इसको मैप से दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए ये आपका अफ्रीका है, मैप आ रहा है पूरा? ये अफ्रीका है और ये यूरोप है, और अफ्रीका और यूरोप के बीच ये भूमध्य सागर है। क्वेश्चन आएगा भूमध्य सागर से उठने वाला जो चक्रवात है ये शीतोष्ण चक्रवात है, क्योंकि शीतोष्ण कहाँ होता है? कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा। तो भैया भारत में कर्क रेखा 23.5 से गुजर रही थी, यानी अफ्रीका में भी तो गुजर रही हो 23.5 से, कर्क रेखा के ऊपर ही तो है भूमध्य सागर। तो ये कौन से में? कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, काय में आता? तो भूमध्य सागर से उठने वाला जो चक्रवात है यानी साइक्लोन है वो शीतोष्ण चक्रवात है, और यहाँ से उठने के बाद ये किस दिशा में चल दिया? पूरब दिशा की ओर, और पूरब दिशा की ओर चला तो इसने काला सागर, कैस्पियन सागर से क्या ले ली? नमी। और नमी लेने के बाद जब ये भारत में आया तो भारत में आने के बाद पश्चिमोत्तर भारत यानी पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा यानी इन राज्यों में वर्षा की इसने, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में, पहाड़ी राज्यों में हिमपात के रूप में यानी बर्फ की बूंदों के रूप में, जबकि मैदानी राज्यों में, मैदानी राज्य कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर वर्षा कौन से रूप में की? वर्षा के बूंदों के रूप में। एक बार पुनः बता रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए, भारत में वर्षा क्या ऋतुओं में होती है? दो। कौन कौन सी? शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? केरल में। क्या तारीख को? 1 जून को। केरल के समुद्र तट को क्या कहते हैं? मालाबार। यहाँ पर क्या कर देता है? वर्षा पूरे भारत में वर्षा करता है 1 जून को बारिश करने के बाद, 22 जुलाई में दिल्ली में भी वर्षा करता है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है। लेकिन ये पूरे भारत में वर्षा किन किन राज्यों में नहीं कर पाता? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए भारत के अलावा कोरोमंडल तट भारत किस देश में? न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन आ जाए न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्वेश्चन आ जाए विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस देश से मिला? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन आ जाए भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? 1926 यानी 1926। अगला उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। CM कौन? नवीन पटनायक। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। CM कौन है? MK स्टालिन। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी। इन 3 राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं होती, और ये तीनों पूर्वी घाट के अंतर्गत आते हैं, जबकि पश्चिमी घाट के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 5। पश्चिमी घाट में जो पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? सोलास। शीत ऋतु में वर्षा 2 तरह की हवाओं से होती है, एक तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, मैंने आपको बताया कि उत्तर पूर्वी मानसून में नमी नहीं होती है,
लेकिन जब ये पूर्वोत्तर भारत से गुजरता है तो बंगाली खाड़ी से नमी ले लेता है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकरा देता है और वर्षा कर देता है, इसी को हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। लेकिन दूसरा मानसून है, दूसरी हवा है, वो है पश्चिम विक्षोभ। पश्चिम विक्षोभ का जन्म हमेशा भूमध्य सागर के उत्तर में होता है और ये एक शीतोष्ण चक्रवात है कि उष्ण चक्रवात है। देखो शीतोष्ण चक्रवात क्यों है ये भी दिखा दें आपको। देखिए ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये आर्कटिक रेखा है, ये अंटार्कटिक रेखा है। तो उष्ण कटिबंध ये वाला हिस्सा है। तो अब जो आपका भूमध्य सागर है वो यहाँ पर पड़ रहा, तो ये आप कौन सी रेखा के पास है, ये आपकी आर्कटिक रेखा के ऊपर है। तो कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा शीतोष्ण में आता है। तो भैया पश्चिम विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है, इसका जन्म भूमध्य सागर में होता है और यहाँ से यहाँ जन्म होने के बाद ही किस दिशा में चल देता है, पूरब दिशा की। वो कौन कौन से सागरों से नमी ले लेता, काला सागर, कैस्पियन सागर से नमी लेने के बाद जब भारत में आता है तो भारत में पश्चिम विक्षोभ प्रवेश करता है, तब इसका नाम शीतोष्ण चक्रवात का नाम क्या हो जाता है, पश्चिम विक्षोभ। पश्चिम विक्षोभ इसलिए कहते हैं क्योंकि पश्चिम से चलती है, पश्चिम से चलने वाली हवाओं को पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। और जब पश्चिम विक्षोभ भारत में प्रवेश करता है दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो भारत के पहाड़ी राज्य, दूसरा मैदानी राज्य। और पहाड़ी राज्यों में वर्षा करता है हिमपात के रूप में, तीन राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। मैदानी राज्यों में वर्षा करता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वर्षा की बूंदों के रूप में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।